हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। तो गाइज ये है पार्ट फोर ऑफ द कम्युनिकेशन सीरीज। इससे पहले तीन पार्ट कवर कर चुके हैं। तो अगर लास्ट वीडियो की बात करें उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसा कि वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि वो कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज होता है उस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। इसी का अपोजिट होता है नॉन वर्बल। वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स का यूज नहीं होता है उस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्ड्स लेस मैसेजेस। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर मैसेजेस तो होंगे लेकिन ये मैसेजेस जो होंगे वो आपके वर्ड लेस मैसेज होंगे। ठीक, These messages can aid the verbal communication. अब ये जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ये वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में, वर्बल कम्युनिकेशन को कन्वे करने में बहुत ज्यादा सहायता करती है। तो डेफिनेशन में तो इतना ही था, जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं 5, जिसमें पहला आता है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड इज पैरा लैंग्वेज, थर्ड इज एस्थेटिक कम्युनिकेशन, फोर्थ इज अपीयरेंस एंड द लास्ट इज सिंबल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। एन इंडिविजुअल्स बॉडी लैंग्वेज दैट इज इट्स फेशियल एक्सप्रेशंस, स्टेंस, गेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस, टच एंड अदर फिजिकल सिग्नल्स कंस्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो एक बंदे की बॉडी लैंग्वेज होती है, अब बॉडी लैंग्वेज में क्या आते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसका स्टेंस, स्टेंस का मतलब होता है कैसे वो व्यवहार करता है लोगों के साथ, उसका गेस्चर, गेस्चर मतलब कि वो चीजों को कैसे टच करता है, टोन ऑफ द वॉइस, उसकी वॉइस की टोन कैसी है, हाई पिच है या लो पिच है, वो ज्यादा तेज बोलता है या ज्यादा धीरे बोलता है, उसको भी कंसीडर किया जाता है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। और इसी तरीके के जो भी फिजिकल सिग्नल्स होते हैं वो सारे हमारे कंस्टिट्यूट करते हैं दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, लीनिंग फॉरवर्ड मे मीन फ्रेंडलीनेस, एक्सेप्टेंस एंड इंटरेस्ट, वाइल क्रॉसिंग आर्म कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ डिफेंसिव पोस्चर। अगर जैसे कोई आपसे बात करता है और वो आपके तरफ अगर झुक कर बात कर रहा है तो वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, एक फ्रेंडलीनेस दिखा रहा है। लेकिन अगर वही बंदा आपसे क्रॉस हैंड करके बात करे तो यहाँ पर वो ऐसा इंटरप्रेट करता है कि वो एक डिफेंसिव पोजीशन में, मतलब कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट किया गया है जो हमारा फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो टोटल कम्युनिकेशन का 55% होता है। A research estimate that physical non-verbal communication accounts for 55% of all communication. Smiles, frowns, pursing of lips, clenching of hands, etc. transmit emotions which are not expressed through verbal communication. जो हमारी smiles होती है, जो हमारी frowns होते हैं, frowns का मतलब जो हम लोग अपनी eyebrows ऊपर नीचे करते हैं, pursing of lips, clenching of hands, etc. ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये emotions को बहुत अच्छे से transmit करती हैं, जितना कि verbal communication नहीं कर पाता। इसके बाद second type आता है non-verbal communication का, जो कि है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है अभी उसको देखते हैं। The way you say something more than the actual words reveal the intent of the message. इसका मतलब ये होगा कि आप जिस तरीके से बात करते हो, आपके बात करने का तरीका आपके एक्चुअल वर्ड से आपके इंटेंट को दिखाता है कि आप उसे किस तरीके में बात करना चाहते हो। जैसे कि आपने एक नॉर्मल बात कही लेकिन आपका जो कहने का तरीका था वो गुस्से वाला था, तो सामने वाला तो यही इंटरप्रेट करेगा ना कि आप उससे गुस्से में बात कर रहे हो। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। द वॉइस क्वालिटी, इंटोनेशन, पिचेस, स्ट्रेस, इमोशन, टोन एंड द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। ए रिसर्च एस्टिमेट दैट द टोन ऑफ द वॉइस अकाउंट्स फॉर 38% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। तो जो पैरा लैंग्वेज होती है वो टोटल कम्युनिकेशन की 38% होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कितना अकाउंट करता था, सिर्फ और सिर्फ 7%। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर अगर पहले टाइप की बात करें जो कि था फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो अकाउंट करता था 55% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। एंड देन अगर पैरा लैंग्वेज की बात करें तो पैरा लैंग्वेज अकाउंट करता है 38% ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन। इसके बाद आती है हमारी एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन के अंदर जितने भी आर्ट्स फॉर्म आते हैं लाइक डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक आर ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दे डिस्टिंक्टली कन्वे द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ द आर्टिस्ट। जितनी भी आर्ट्स फॉर्म होती है लाइक कोई डांसिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई मूर्ति बनाता है और कोई म्यूजिक बनाता है, तो ये जितनी भी आर्ट्स फॉर्म है इसके थ्रू भी मैसेज कम्युनिकेट किया जा सकता है।
जैसे कि किसी को अपना मैसेज ट्रांसफर करना है और वो मैसेज को अगर वो किसी गाने में कन्वर्ट कर पाए या फिर उस मैसेज को अगर रैप में कन्वर्ट कर पाए तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो हुआ, लेकिन जो कम्युनिकेशन हुआ वो एक आर्ट फॉर्म के जरिए हुआ। ठीक है, एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लियर हो गया ना। इसके बाद आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है पहनावा। Appearance is usually the first thing noticed about a person. अगर एक person को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले उसका पहनावा देखते हैं कि वो किस तरीके का कपड़े पहने हुए हैं। A well-dressed and groomed person is presumed to be organized and methodical. एक जो बहुत अच्छे से बंदा तैयार होता है, एक well-groomed होता है, तो उस बंदे को हम लोग पहले से प्रिज्यूम करते हैं ये बहुत ही ऑर्गेनाइज है और ये बहुत ही लेजे में काम करता है। अगर ऐसे ही हम लोग एक स्लॉपी और शैबी पर्सन को देखते हैं तो वो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाने में फेल हो जाता है। Therefore, dressing appropriately in all formal interactions is emphasized. ज़्यादा तो formal interactions में एक appropriate dressing code पहले से ही decide करके रखा जाता है। जैसे कि अगर offices में बात करें तो वहाँ पर formal dress up होता है और उसी dress code को emphasize भी किया जाता है under this type of communication. इसके बाद आता है हमारा last type जो कि है symbols. बहुत सारे religious symbols होते हैं, बहुत सारे ego building symbols होते हैं जो कि communication भी कर सकते हैं। सिंबल्स लाइक रिलीजियस स्टेटस एंड ईगो बिल्डिंग सिंबल्स कैन ऑल्सो कम्युनिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम लोगों ने पांचों टाइप्स देख लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जिसमें कि पहला आता था फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज पैरा लैंग्वेज, थर्ड इज एस्थेटिक कम्युनिकेशन, फोर्थ इज अपीयरेंस एंड द लास्ट वन इज सिंबल्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड्स सच एज साइंस, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशंस, कलर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज यूजली रीइन्फोर्स द रिटन कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में बहुत सारे साइंस आते हैं, बहुत सारी टाइपोग्राफी आती है, कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइन भी बनाए जाते हैं जो कि रिटन कम्युनिकेशन में पूरी तरीके से जान डाल देती है। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं और उन बदलाव को अगर लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स में लिखकर दे दिया जाएगा तो आपके लिए उस मैसेज को इंटरप्रेट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। तो इसी रिटन कम्युनिकेशन को रीइन्फोर्स कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। हो सकता है कि वो जो रिफॉर्म्स हैं आपको पाई चार्ट्स के थ्रू, आपको डायग्राम्स के थ्रू, आपको अलग अलग विजुअल ग्राफिक्स के थ्रू समझाया जाए, जिसकी वजह से जो उसका रियल इंटेंट है वो आपको समझ में आ जाए। समटाइम्स इट मे रिप्लेस द रिटन कम्युनिकेशन ऑल टूगेदर। विजुअल कम्युनिकेशन इज पावरफुल मीडियम। कभी कभार क्या होता है, जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है वो रिटन कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से हटा देता है, और जो एक विजुअल कम्युनिकेशन है एक बहुत ही पावरफुल मीडियम भी है। विजुअल्स लाइक्स ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड अदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस कन्वे क्लियरली एंड कॉन्साइसली अ ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हमारे ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं और जो अलग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस होते हैं वो बहुत ही क्लियरली और बहुत ही कॉन्साइसली एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटे तरीके से आपको समझा देते हैं। दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस दीज डेज। जो विजुअल कम्युनिकेशन है उनको आजकल ऑफिशियल प्रेजेंटेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑफिशियल कम्युनिकेशन दीज डेज। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है विजुअल कम्युनिकेशन। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।